देखिए, जमशेदपुर में वक्त लगने का कारण वहाँ 3 से 4 ऐसे उम्मीदवार हम लोगों की पार्टी से थे, दावेदार भी थे, जो बहुत ही सशक्त, उसमें से किसका चुनाव किया जाए इस उहापोह में इतना वक्त लगा। और थोड़ा वक्त लगने का कारण हमारे नेता को जेल में डाला गया है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है, उसके कारण भी विलंब होता है। लेकिन सभी समीक्षा उपरांत, सभी बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सर्वाधिक लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय विधायक हैं समीर मोहंती, और डाउन टू अर्थ हैं, जनमानस से जुड़े हुए, आम जन तक पहुँचे उनकी। पिछला विधानसभा चुनाव मुझे लगता है झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले, 65,000 मतों का अंतर था, और मुझे लगता है क्षेत्र में उनकी एक सकारात्मक छवि है। नहीं, हम तो शुरू से कहते हैं कि इनके पास उम्मीदवारों का टोटा था, ये इनके फर्स्ट चॉइस के जितने उम्मीदवार थे सब इलेक्शन लड़ने से भागते दिखे, तो इनको अंत में जो मिला स्टॉप गैप अरेंजमेंट में, इनके थर्ड और फोर्थ चॉइसेस, उनको इन्होंने लड़ा दिया। तो ये तो पूरी स्थिति इनके प्रदेश में है, सिर्फ जमशेदपुर की बात छोड़ दें, अभी कोई नहीं डूबती नाव में सवार होना चाहता, और मोदी जी के नेतृत्व में तो विकास और राष्ट्रवाद की सुनामी चल रही है। तो अब थर्ड और फोर्थ चॉइसेस जो इनके थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कल्पना शोरेन भी 29 को नॉमिनेशन कर रही है गांडे विधानसभा से। हमने कहा ना कि विपक्ष में होने के बाद भी हम चाहते थे कि वो एक अच्छी शुरुआत करें, लेकिन अगर वो मन बना चुकी हैं कि रिकॉर्ड मार्जिन से हार ही के शुरुआत करेंगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं।